हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? हैप्पी संडे मॉर्निंग. आज मेरा एकदम गार्डनिंग का डे है. सही बताऊँ, बहुत टफ काम है. जब से यहाँ आके गार्डनिंग स्टार्ट की है मैंने 2-3 साल से, तो जैसे बोलते हैं ना, एक एक दाने की कीमत, एक एक पत्ती की कीमत हम लोग को पता चली है. कि सच में हेड्स ऑफ है किसानों को, हमारे जो जिन्हें बोला जाता है ना भगवान, सच में वो भगवान का ही काम होता है. बहुत मुश्किल काम होता है ग्रो करना है एक एक पत्ती को. तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ. आज यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ मेथी नहीं मिलती है, तो ये हमें घर में ही उगाना पड़ती है. तो ये मेथी है. तो ये मैंने 60% मिट्टी ली है और 40% इसमें मैंने जो खाद है, होममेड ही खाद है, मतलब घर के कचरे से जो सूखा वेजिटेबल्स का और फलों का छिलका होता है, उससे मैंने खाद बनाई थी. वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है. तो उसको मैंने ले लिया और ये मैंने इसमें ऐसे जैसे किसान हल चलाता है उस टाइप से मैंने ये किया है. और ये मैं इसमें ऐसे बीज डाल लूँगी सारे. और ये देखिए, मैंने बीज डाल दिए हैं. तो अब हम इसको इस मिट्टी से ऐसे हल्के हल्के हाथों से कवर कर देंगे. थोड़ी मिट्टी और ले लेती हूँ और ऐसे कवर करके. और इसके बाद बनाते हैं कुछ बढ़िया सा नाश्ता, हेल्दी भी हो जो और जल्दी बन भी जाए. और ये देखिए, मैं इसमें ऐसे ऐसे हल्के हाथों से पानी डाल देंगे और लगभग 1 से 1.5 महीने में हमारी जो मेथी है वो तैयार हो जाती है. तो चलिए बनाते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट. तो अब बनाते हैं बहुत ही टेस्टी रोटी से बनने वाले ये पिज़्ज़ा पॉकेट्स. तो हेल्थ के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. बच्चे बाहर का पिज़्ज़ा खाना एकदम भूल जाएंगे. बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये. तो आइए बनाते हैं मिलके. तो इसके लिए मैंने एक पैन में ये थोड़ा सा 1 TSP ऑयल लिया है और इसमें ये 3 से 4 कली लहसुन है, या 1 TSP के करीब लहसुन. ये प्याज है और ये पैप्रिका, तीनों टाइप की. तो ये हम सबसे पहले लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे. अब ये मैंने इसमें प्याज डाला है, तो 2 टेबल स्पून के करीब हैं सारी चीज़ें. और लहसुन 1 TSP, अंदाज से आप कोई भी चीज़ को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं. और इन जो वेजिटेबल्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है कि हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए. और ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे. नमक हम इसमें कम ही रखेंगे क्योंकि हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक होता है. थोड़ा सा और सौते कर लेते हैं. बहुत ही सुंदर, एकदम कलरफुल ये दिखाई देता है. और ये देखिए, मेरे पास सेजवान सॉस है, तो ये मैं इसमें लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर लूँगी, 1 बड़ा चम्मच. और ये मेरे पास चिली गार्लिक टमाटो सॉस है, तो आप इसकी जगह नॉर्मल टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं. ये भी मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर लिया है. और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फिलिंग रेडी है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं. और अब अपनी जो हम रोटी है उसकी तैयारी करते हैं. तो ये देखिए, मैंने जो रोटी से थोड़ा सा बड़ा इसका बॉल लिया है और इसको मैं एकदम पतला पतला बेल लूँगी. इसको एकदम हमें थोड़ा रोटी से बड़ा बेलना है. तो जितना बड़ा भी मेरा चकला है, मैंने उसके हिसाब से इसको बेल लिया है. ये देखिए, पतला रखना है तो ये सेकने में इजी रहता है. और नॉर्मल रोटी के जैसे हम इसे तवे पे अलट पलट के सेक लेंगे. थोड़ा सा दबा दबा के सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए. बहुत ही टेस्टी ये पॉकेट्स बनते हैं, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं. और ये देखिए, ये मैं इसकी एक स्लरी टाइप की बना लूंगी. तो 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक पेस्ट जैसा मैं बना लूंगी. और अब जो हमने रोटी बनाई थी उसमें ये हम फिलिंग इसमें बीच में एकदम सेंटर में हम इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से ऐसे हम इसको स्टिक कर सकें. अभी से जो हमने फिलिंग है इसमें हम ऑर्गेनो थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग. और ये मेरे पास है थोड़ा सा बेसिल लीव्स हैं और ये मेरे पास है इटालियन हर्ब्स. तो ये अगर नहीं है आपके पास तो ऑर्गेनो भी सिंपल चलेगा. और ये है मेरे पास
हैलापिनोज, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये है चिली फ्लेक्स, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम चीज़ को इसमें ग्रेट कर लेंगे। तो इसमें किसी भी चीज़ की कोई परफेक्ट बहुत ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये पॉकेट बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। ये देखिए, एक साइड में मैंने जो स्लरी बनाई थी पेस्ट मैदा का, उसको रख के ऐसे चिपका लेंगे। अच्छे से आप इसको स्टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिक जाता है अच्छे से। रोटी हमारी हाफ कुक तो है ही, और अंदर की फिलिंग भी हमारी एकदम रेडी है, तो हमें सिर्फ इसे ऊपर से ही सेकना है। इसको अच्छे से दबा के ऐसे हम उल्टा करके रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। और अब इसे तवे पे हम सब तरफ से मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ऐसे सेक लेंगे, हल्का सा ऑयल अप्लाई करते हुए। या आप घी भी लगा सकते हैं इसमें, या ऑलिव ऑयल, कुछ भी अपनी चॉइस का, या बटर में भी सेक सकते हैं। तो एकदम कम ऑयल में बने बहुत ही टेस्टी रोटी पॉकेट्स हैं, पिज़्ज़ा पॉकेट्स। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स? अच्छी लगी हो तो